दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल रेल नॉलेज में। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन की जानकारी है वो है 20977 अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की। दोस्तों, इस ट्रेन का संचालन 12 अप्रैल 2023 से उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन लगातार कर रहा है। दोस्तों, ये वंदे भारत कैटेगरी सुपर फास्ट ट्रेन है जो बुधवार को छोड़ के सप्ताह के 6 दिन अजमेर जंक्शन से चलकर जयपुर, अलवर, रेवाड़ी, गुड़गांव के रास्ते उसी दिन दिल्ली कैंट पहुंचती है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस ट्रेन के ट्रेवल टाइम की, तो यह ट्रेन अजमेर जंक्शन से दिल्ली कैंट की कुल दूरी 429 किलोमीटर को करीबन 81 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत स्पीड से अपनी यात्रा 5 घंटे और 15 मिनट में तय करती है। दोस्तों, इस ट्रेन का अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच 4 स्टेशनों पर हॉल्ट रहता है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस ट्रेन में कोचेज की, तो इस ट्रेन में एग्जीक्यूटिव चेयर कार और एसी चेयर कार के कोच रहते हैं। और दोस्तों, इस ट्रेन का अजमेर से दिल्ली कैंट तक कि किराए की बात की जाए, तो इस ट्रेन का एजुकेटिव चेयर कार का किराया 2075 रुपये, तो वहीं एसी चेयर कार का किराया 1087 रुपये रहता है। दोस्तों, इस किराए में बदलाव हो सकता है, इसलिए अपडेटेड किराए और किराए की ज़्यादा जानकारी के लिए आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इस ट्रेन का किन किन स्टेशनों पर ठहराव रहता है और उन स्टेशनों पर इस ट्रेन का टाइम टेबल क्या रहता है। दोस्तों, ट्रेन नंबर 20977 अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बुधवार को छोड़ के अजमेर जंक्शन से सुबह में 6:20 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होती है। दोस्तों, यहाँ से रवाना होकर यह ट्रेन पहुँचती है अपने पहले ठहराव जयपुर जंक्शन सुबह में 7:50 पे, और 5 मिनट ठहराव लेने के बाद 7:55 पे जयपुर जंक्शन से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, इस ट्रेन का अगला ठहराव रहता है अलवर जंक्शन, 9:35 पे यहाँ पहुँचती है और 2 मिनट ठहराव लेने के बाद 9:37 पे अलवर जंक्शन से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, यह ट्रेन पहुंचती है अपने अगले ठहराव रेवाड़ी जंक्शन 10:33 पे, और करीबन 2 मिनट ठहराव लेने के बाद 10:35 पे रेवाड़ी जंक्शन से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, इस ट्रेन का सेकंड लास्ट स्टॉपेज रहता है गुड़गांव, 11:15 पे यहाँ पहुँचती है और 2 मिनट ठहरने के बाद 11:17 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, यह ट्रेन पहुंचती है सुबह में 11:35 पे अपने लास्ट स्टॉपेज दिल्ली कैंट, और दोस्तों यहां तक 429 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती है। तो दोस्तों, यह थी 20977 अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जानकारी। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें, ताकि चैनल पे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।